हेलो, सो लेट्स स्टार्ट द मैथ्स ऑफ क्लास 9th, एक्सरसाइज 1.3। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन सो फॉर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एंड आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो इसको हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना है कि 0.9999 एंड सो ऑन सो फॉर, ये जो इतने सारे नाइन है, इनका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। और फिर कहा गया कि जो आंसर आया, क्या आप उससे सरप्राइज हो गए हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों, अपने टीचर और फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो वी एज्यूम द नंबर एक्स इज इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन सो फॉर। आपको पता है अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 0.9 बार, वेयर बार मीन्स रिपीटेशन ऑफ दैट नंबर। अब देखिए, जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर है, देन आपको करना क्या होता है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन में होते हैं उनको लेफ्ट साइड में ले जाना होता है। तो इसके लिए हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक 10x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाने वाला है, और यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 9.9 बार। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब आप करिए क्या, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। आइए देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, और इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.9 बार। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे ये सेट पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सक्यूज मी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, तो जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे ये पूरा एक सेट कैंसिल हो जाएगा, जो ये बहुत सारा इनफाइनाइट तक टेंड करते हैं, और यहां से फाइनली बचेगा 9 ओनली। 10x में 1x माइनस होगा, दिस विल गिव यू 9x, एंड x विल बिकम 9/9, दिस विल बिकम आफ्टर कैंसिलेशन 1/1। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जब हमने ये जो इतने सारे 9.99 रिपीटेशन में थे इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो ये आ क्या रहा है 1/1, और बेसिकली ये क्या बन जाएगा बाद में 1। तो अब क्वेश्चन था कि क्या ये सेंस बना रहा है कि भाई कोई पॉइंट में नंबर है डेसिमल में और उसका रिजल्ट आ रहा है 1। तो देखिए, इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज करो आपके पास एक नंबर लाइन है और वहां पे एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है 1, और इसके आगे भी पॉइंट्स हैं, इसके पीछे भी पॉइंट्स होंगे। मैं कह रहा हूं आपसे 0.5 कहां होगा, आप कहेंगे सर 0.5 यहां होगा। मैं आपसे पूछूं 0.1 कहां होगा, तो आप कहेंगे सर नियर अबाउट दिस विल बी 0.1। अगर मैं आपसे पूछूं 0.9 कहां होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये होगा। इसी क्रम में 0.99, तो वो इन दोनों के मिडिल में कहीं पे होगा। फिर अगर मैं पूछूं 0.9999999, तो आप कहेंगे सर वो और थोड़ा क्लोज जाता रहेगा। तो अगर मैं इतने सारे नंबर्स का रिपीटेशन लेता हूं, 9999 बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होता है कि हम ऐसा करते 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 लगभग 1 के पास पहुंच जाते हैं। इसको मैथमेटिकल भाषा में कहा गया टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब है कि ये उसकी ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है, 1, समझ रहे हैं। इसलिए ये ऐसा फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से बता देता हूं, आप अपनी नंबर लाइन पे देख पाते हो कि 0.0 यहां पे है, 0.1 यहां है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और जब हम 0.9999 बढ़ाते जाते हैं तो हम धीरे 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 करके 1 की ओर पास जाते रहते हैं, जिसकी वजह से मैथमेटिकल लैंग्वेज में से कहा गया टेंड्स टू 1, यानी ये 1 की ओर जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी।